राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज नागरिकता संशोधन कानून जो हाल ही में लागू हुआ है उसके खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है। CAA, NRC और NPR इन तीनों के विरोध में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है, जहां पर आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में महिलाएं यहां पर शामिल हुई है। ये विरोध की एक रैली जो है जयपुर के शहीद स्मारक से शुरू हुई थी और वहाँ से सहकार मार्ग होते हुए और यहाँ सिविल लाइन फाटक तक पहुँची है और यहाँ पर अपना जो गुस्सा है, अपनी आवाज़ है, केंद्र सरकार तक पहुंचाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। सैकड़ों की संख्या में पुरुष भी है, साथ में बड़ी संख्या में महिलाएं भी है, ये सब यहाँ पर आई हैं और क्या इनका कहना है ये इनसे जानेंगे। काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि बड़ा आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है। आज आप खुद क्या मैसेज, क्या बात कहने के लिए यहाँ पर शामिल हुए हैं? हमें सिर्फ एक ही बात कहनी है कि NRC वापस लो, CAA वापस लो, ये तानाशाही नहीं चलेगी। बस सीधा सा यही मुद्दा है। आज सबको अच्छी तरह पता है, कोई गाफिल नहीं है इस चीज़ से कि हम लोग क्या चाहते हैं। फिर भी आप लोग बार बार एक ही सवाल करते हैं, क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, तो वही जो ये बनाया है काला कानून, इसको वापस ले लो। बिल्कुल, ये काला कानून के खिलाफ लगातार पूरे देश में विरोध हो रहा है, लेकिन फिर भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। अभी एक दो दिन पहले अमित शाह का बयान आया कि ये तो लागू जो किया है इसे वापस नहीं लेंगे किसी भी सूरत में। वो कहते हैं कि हम एक इंच नहीं हटेंगे, हम कहते हैं हम एक सेंटीमीटर भी पीछे नहीं हटेंगे। और ये काला कानून तो उनको वापस लेना पड़ा, जब पहले भूमि अधिग्रहण बिल को वापस लिया था क्योंकि वो जन विरोधी था, किसानों के विरोधी था, आम जन के विरोधी था। तो ये नागरिकता के जो प्रश्न है, ये जो सवाल है, ये भी तो आम जन के विरोधी है। आप वो कहाँ जाएंगे, अहमद या मुस्लिम, पाकिस्तान के अंदर उनके लिए कानून पास कर दिया कि ये मुसलमान नहीं है, रोहिंग्या को कह दिया कि ये भारत में आ नहीं सकते, और आप सिर्फ एक कम्युनिटी को कैटगरी में रखते हो, उसको कटघरे में खड़ा करते हो, बाकियों के लिए कहते हो। अफगानिस्तान में कौन से ऐसे लोग थे, बांग्लादेश के कितने कितने लोग हैं जो हिंदू धर्म वाले ही हैं, वो बेचारे यहाँ डोलते फिरते हैं, तो आप उनकी नागरिकता के प्रश्नों की बात नहीं करोगे? ये जो महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई है इस CAA, NRC और NPR के खिलाफ जो बड़ा मार्च जयपुर में निकाला गया है उसके में यहां पर शामिल हुई है, और इनका साफ तौर पर कहना है कि ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक CAA, NRC और NPR को वापस नहीं लिया जाता। जयपुर से कैमरा पर्सन अभिजीत शर्मा के साथ रामस्वरूप, स्वराज एक्सप्रेस।